आप लोग देख सकते हैं, ये है फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर की सीरियल नंबर क्यों मैच होना चाहिए इंस्पेक्शन टैग से, और जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर के जो बॉडी है उससे, और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्लेस है, प्लेस में इसमें डालकर रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 41। तो ये जो 41 उसमें डाला गया है नीचे में, और बॉडी में भी डाला गया है 41, प्लस ये जो इंस्पेक्शन टैग है, इंस्पेक्शन टैग में भी 41, फायर एक्सटिंग्विशर टैग नंबर 41 डाला गया है। तो ये डालने का कारण क्या है, क्यों डाला जाता है, इसके बारे में जस्ट इस वीडियो में थोड़ी बात करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, ये डालने का कारण एक ही है, आप लोग इसमें भी देख सकते हैं 40 डाला है। ये देखिए 40 डाला गया है, और इसके साथ साथ इसमें भी डाला गया है 40। ये डालने का कारण वही है ताकि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, कोई भी यूज़ करने के लिए किसी जगह में ले जाएगा तो उसमें अगर गुम हो जाएगा तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ये नंबर से कौन सी प्लेस है, प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो लिस्ट है, आप लोग जो मंथली चेकलिस्ट बनाते हैं उस चेकलिस्ट में भी अपडेट करना चाहिए, और उससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी प्लेस की ये फायर एक्सटिंग्विशर था, और इसी जगह में लाकर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं सडनली। तो यही अच्छा है, और इसके साथ साथ तो ऑलरेडी तो लोकेशन लिखा रहता है, सपोज़ किसी कारण से ये लोकेशन मतलब ये जो टैग है ये गुम हो जाता है, तब भी आप लोग ये फाइंड आउट करने के लिए मतलब बहुत ईजी होगा आप लोगों को। ये बॉडी में ऑलरेडी 40 लिखा गया है, और आप लोग देख सकते हैं 40, और साथ साथ ये इसमें भी 40 डाला गया है, और साथ साथ आप लोग के पास जो चेकलिस्ट होगा, चेकलिस्ट में भी 40 डाला जाएगा। तो इसके इसीलिए आप लोग जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी प्लेस का ये फायर एक्सटिंग्विशर है, और इमिडिएटली जाकर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो वही है ये अपडेट करने का वजह। थैंक यू गाइस।